नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल एंड गुड। स्वागत है आप सबका साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना पवन। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तो बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैट बॉक्स में येस और नो बोल। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश, ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रॉन है को क्या बोलते हैं अपन, बताओ सर? इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्वांटा का आवेश का, और इसका जो मान है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻¹⁹। क्वेश्चन का आंसर आपका 13 सिंपल। ये आपको बोर्ड एग्जाम में द फॉर्म एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और सीधा भी डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिससे विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति स्थापना हुई, यानी आपको उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताना है से जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको एक तरह से सॉलिड तरीके से कदों की एस्टेब्लिशमेंट मिला और उसको एक तरह से प्रूफ मिला सॉलिड, तो उस प्रयोग का नाम क्या है, एलिकन तेल बूंद प्रयोग, एलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? वेल डन, शाबाश। आपको यदि जवाब पता है तो आप कमेंट आप भी देते रहना, अच्छा लगेगा। चलिए वेल डन, शाबाश। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स शून्य है तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता, बताना चाहेंगे क्या निष्कर्ष निकल, क्या देखना बेटा, ध्यान देना। विद्युत फ्लक्स शून्य, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, मेसन क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। यहां से सीमेसन क्यू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो इंटू फाई, और अब ये कह रहा है ये फाई जीरो है तो सीमेसन क्यू क्या आ जाएगा, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष निकलेगा कि उस पृष्ठ में कुल आवेश है शून्य, ठीक है? क्लियर है? ये गाउस के नियम, काफी अच्छा और काफी प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या, एक बार तुम जो फुल मीट पे है वो जवाब दे फिर अपन आगे बढ़े। आप जल्दी जल्दी जवाब देते ताकि टाइम कम लगे, अपन ज्यादा से ज्यादा देख पाए। ओके डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा लिखी, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैसे विद्युत द्विध्रुव ये होता है माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, और इसके बीच की जो दूरी है टू ए होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी जो होता है वो क्या होता है, टू इंटू टू ए। सर ये थोड़ी लिखना था, लिखना तो डेफिनेशन थी, यहीं से तो डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन क्या आएगी, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कुछ बातें यहाँ और बता देता हूँ, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू, है ना? इसकी विमा क्या होती है, L1 T1 A1 होती है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि, हेसियन हो। और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता, हाँ
ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सर पूछा क्या गया है यहाँ पर, परिभाषा पूछी, तो आप अच्छे से परिभाषा लिख सकते हैं और ये एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बता दी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा किस किस बात पर डिपेंड करता है, जो फ्लक्स है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है क्या आपसे पूछा गया। तो सिंपल सी बात है कि जो फ्लक्स है, गॉस के नियम की यदि बात करें हम, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो एक तो परिबद्ध आवेश इमेशन क्यू पर डिपेंड करता है, मेजरली तो डिपेंड इसी पे करता है, साथ के साथ आप ये भी कह सकते हो ये माध्यम पर डिपेंड करता है ना, लेकिन मेनली ये किस पर डिपेंड करता है, इमेशन क्यू यानी परिबद्ध आवेश पर, कि जो पाई होता है वो क्या होता है इमेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। गॉट इट? ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स फाई वन और फाई टू है, तो इस पृष्ठ में परिबद्ध नेट विद्युत आवेश कितना होगा। कल सी बात है, इधर देखो जैसे सपोज दैट ये कोई एक पृष्ठ है ना, और इस पृष्ठ से बाहर निकलने वाला तो आउटगोइंग फ्लक्स जिसे मैं कह दूं वो फाई टू है, और इसमें जो एंट्री कर रहा है वो फ्लक्स है फाई वन, तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर नेट आवेश कितना है, तो बताओ फाई नेट जो होता है वो क्या होता है सर, समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर समेशन क्यू क्या आ जाएगा सर, एप्सिलॉन जीरो टाइम फाई नेट, और फाई नेट क्या होता है फाई टू माइनस फाई वन, यहाँ पर समेशन क्यू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम फाई टू माइनस फाई वन, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यस ऑर नो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आराम से कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि आप एक धातु के गोले को बिना स्पर्श कराए कैसे आवेशित, तो बेटा आवेशन की तीन विधियां थी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितनी विधियां थी, तीन। पहला तो था घर्षण, दूसरा था संपर्क, और तीसरा था प्रेरण। देखो घर्षण में दो वस्तु को रगड़ेंगे तो संपर्क में आना लाजमी है, इस तरीके से तो नहीं कर सकते। संपर्क में तो पहले ही लिखा है कि संपर्क मतलब स्पर्श होगा, कौन सी विधि से, प्रेरण द्वारा, कौन सी विधि से, प्रेरण द्वारा, यस और नो? जल्दी से थम्स अप करो सारे जो बच्चे अभी क्लास में है ताकि हम आगे बढ़े। हाँ चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि आदर्श द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ऐसा द्विध्रुव इसका क्यू क्या हो टेंस टू इन्फिनिटी, और उसकी डिस्टेंस जो है वो टू टेंस टू क्या हो जीरो। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है, तो ऐसा द्विध्रुव जो इन दो शर्तों का क्या करता हो पालन करता, ठीक है, क्लियर है?
ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अपन। ये बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप इसको आराम से एक बार देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतरोधी आधारों पर रखे दो धात्विक गोले ए और बी एक दूसरे के संपर्क में, आरेख में दर्शाए अनुसार कोई धनावेशित छड़ पी गोले ए के निकट लाई जाई गई, इन दोनों गोलों को एक दूसरे से पृथक करके छड़ पी को हटा दिया गया, गोले ए और बी पर आवेशों की प्रकृति क्या होगी। भाई इधर देखो, आप सोच के देखो, ये पास लाया तो प्रेरण द्वारा इधर क्या हो जाएगा, इस पर माइनस, इधर माइनस होगा तो इस पर क्या होगा बताओ, प्लस। आप ध्यान देना, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। ये एक दूसरे के संपर्क में है, पहले ही दिया हुआ है ये डायग्राम में, भले ही आपको गैप दिख रहा हो, ये एक दूसरे के क्या है संपर्क में, तो इधर क्या आएगा माइनस और इधर क्या आएगा प्लस। आप सोचो, जब ये हिस्सा संपर्क में है तो ये वाला आवेश तो गायब हो जाएगा ना। तो अब इन दोनों को अलग अलग किया जाए तो इस पर कौन सा आवेश बच जाएगा, ये वाला तो गायब हो गया, इस पर बच जाएगा पॉजिटिव, और इसके लिए ये वाला गायब हो गया तो सॉरी इस पर बच जाएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, पहले वाले पे क्या बचेगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो गायब हो रहा ना, पहले वाले पे बचेगा नेगेटिव और दूसरे वाले पे क्या बचेगा पॉजिटिव। तो ध्यान देना, आंसर क्या होगा, ए पर धनावेश है ना, और यानी पॉजिटिव चार्ज, और बी पर क्या हो जाएगा, बी पर हो जाएगा सर ऋणावेश। क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, और इजी क्वेश्चन भी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, ध्यान देना बेटा, दो एक जैसे चालक गेंदों ए और बी पर क्रम से माइनस क्यू और थ्री क्यू आवेश है, इन्हें एक दूसरे से संपर्क में लाकर फिर एक दूसरे से किसी दूरी पर पृथक कर दिया जाए, इनके बीच गुलामी बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इधर देखो, समझना भाई, अच्छे से समझोगे बात समझ में आएगी। एक ये गोला है, एक ये गोला है और दूसरा ये गोला है, दोनों एक जैसे, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर थ्री क्यू चार्ज है। जब इन दोनों को संपर्क करवा देंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा पता है तुम्हें, सबसे पहला काम होगा आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें होगा क्या सर, इन दोनों पर बराबर बराबर मात्रा में आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर बराबर मात्रा में क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई टू, ये क्या हो जाएगा टू क्यू डिवाइडेड बाई टू, पहले पर भी q आ जाएगा और दूसरे पर भी q आ जाएगा, और आएगा कौन सा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, गुलामी बल की प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सिव, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सिव, बात समझ गए क्या।
हरी एशियन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन सीरीज को सिर्फ देखे, ट्राई करें समझने, नहीं समझ में आता है तो मैं आपको ऑफलाइन समझा, राइट। ऑनलाइन तो ये जो डाल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कि मैं ट्रांसलेट करने बैठ गया इन क्वेश्चन को तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और वो फ्रूटफुल भी नहीं रहेगा, राइट। चलो वेल डन, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किसी धातु के गोले को दिया गया आवेश क्या इस पर निर्भर करता है कि गोला ठोस है या खोखला है? अपने उत्तर का कारण दीजिए कि ये एक गोला है ना, और एक ये गोला है, इसको भी आवेश दे रहे हो और इसको भी आवेश दे रहे हो, तो ये कह रहा है कि इसको दिया गया आवेश क्या इस बात पर डिपेंड करता है कि ये ठोस गोला है या खोखला गोला है? अपने उत्तर का कारण दीजिए, बताओ। तो सबसे पहले किसी भी गोले को, चाहे वो खोखला हो चाहे ठोस हो, यदि वो धातु का है, किसका है, धातु का, तो उसको दिया गया सारा का सारा आवेश कहाँ आएगा, कि सतह पर आएगा। जब आवेश सतह पर ही आ रहा है तो उसे इस बात से कतई मतलब नहीं होगा कि वो गोला खोखला है या ठोस है। बात समझ रहे हो क्या? बात क्लियर है? आई होप कि ये बात आपके क्लियर है कि वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा गोला खोखला है या ठोस है। कारण में क्या दोगे अपने उत्तर का कारण? क्योंकि किसी भी गोले को दिया गया आवेश यदि वो धातु का गोला है तो वो उसकी सतह पर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं जाता, समझ रहे हो? सारा आवेश जो उसके ऊपर रहता है तो वो ठोस है चाहे खोखला इस बात पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ गई है? ट्राई करते हैं हाँ आगे बढ़, स्पीड में यही ठीक रखूँगा। क्यों? क्योंकि जब ये YouTube पे आएगा तो बच्चा 2x स्पीड करके भी देखेगा ना, लेकिन यहाँ समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी गोलीय गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए तो उसमें परिबद्ध किसी बिंदु के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा? बात को समझ, ये फ्लक्स की बात नहीं कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, समझ रहे हो? जैसे ये गाउसियन पृष्ठ है और क्या इसके केंद्र पर क्या है, क्या इसके अंदर कोई आवेश क्यों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r² होता है, तुम जानते ही हो। तो त्रिज्या में जब वृद्धि कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। गॉट इट? बात समझे क्या? यदि यही ये पूछता कि फ्लक्स के मान पे कोई परिवर्तन होगा क्या, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस के आकार और आकृति पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन और मैं चाहूंगा कि इसका मात्रक और विभाजक तो ही आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखे और जो बाद में इस पर देख रहे वो YouTube पर कमेंट सेक्शन है ना,
चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है, सबको पता होना चाहिए भाई, बच्चा है जिसको यही नहीं पता है ना, तो फिर समस्या है। चलिए, जो भी बच्चे हैं हाँ उनको तो पता है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थायी संतुलन की अवस्था में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ किस स्थिति में होता है। तो इधर देखो, एक्चुअल में मैं सारी सिचुएशन समझा देता हूँ। तो इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाली स्थिति जो होती है, उसमें ये आई संतुलन में होती में होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल मतलब हाई। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो होता तो संतुलन में ही, लेकिन कैसा होता है, अनस्टेबल, अस्थायी संतुलन। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर जो होता है वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, कैसे ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, अधिकतम बलागुण की स्थिति। डन, होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, अब देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 बातें बता दी। इसका आंसर ये होगा थीटा इक्वल टू 0, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, समांतर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जवाब दो इसको, पढ़ो इसको अच्छे से। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में प्रेक्षण बिंदु की दूरी आधी कर दी जाए, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये सोचो, पहले आप देखो, ये होता है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ये इसकी कौन सी स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति। सेंटर से इसकी दूरी आर ली जाए, यहाँ पर ई अक्षीय जो होता है या ई एक्सियल होता है वो क्या होता है, वो होता है सर 2kp डिवाइड बाई आर क्यू। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अक्षीय स्थिति पर जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r³ पर डिपेंड करता है। आप जब दूरी को आधा कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा बेटा, 8 गुना। बात क्लियर है क्या, आंसर क्या होगा इसका, सबका यही आंसर आ रहा था क्या, सबका यही आंसर आ रहा था। नहीं आ रहा है तो संकट है, समझ रहे हो। हाँ, ये दूरी कम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, घटने का तो सवाल ही नहीं होता। डन, ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये तो बहुत ही बेसिक, तो मैं क्या ही बताऊं, सबको पता होना ही चाहिए है ना। विद्युत बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए, यहां पर ध्यान रखना बल की जगह क्षेत्र लिखना ज्यादा अच्छा है, बल की जगह क्षेत्र लिखना ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि ये जो रेखाएं है ना, ये बल को डिफाइन नहीं कर, या बल को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती। इट क्लियर,
आप कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहे। पर जुड़े चलिए, वेल डन, शाबाश। कोई तीन गुणधर्म लिख लेंगे आराम से, बताने की जरूरत ही नहीं है। यदि YouTube पे देख रहा कोई बच्चा और अपना सेंस बूस्ट करना चाहता है तो वो एंड टू एंड अपने कमेंट से टाइप कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, ये कह रहा है Q ग्रेटर देन जीरो और Q लेस देन जीरो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड साइंस या इलेक्ट्रिक बल की जगह क्या लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्षेत्र बल रेखाएं भी लिखा था तो कोई। तो इधर देखो बेटा, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ रेडियली आउटवर्ड किसकी वजह से होगी बताओ, त्रिज्यते बार की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए आउटवर्ड, ये पहले का डायग्राम हो गया। दूसरे का सेम होगा बट साइन या फिर डायरेक्शन ऑफ एरो जो है वो चेंज हो जाएगा, आउटवर्ड की जगह क्या हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड की जगह क्या हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा। बात समझ रहे, ये इसका हो गया। और ये बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके का भी चाहता है बहुत बार, ये डायग्राम आई होप सारे बच्चे अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से आवेशित करने से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने हो। अब देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो, इससे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है ना तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब Q इक्वल टू क्या करना है, एन ई, एन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q बाई ई, और यहाँ पर Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1 कूलाम, ये हो जाएगा 1 कूलाम डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा E की जगह 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, n इज इक्वल टू 0.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे, निकासित करने पड़ेंगे। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। और क्वांटाइजेशन क्यू बराबर एन ई से सही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको हिंट दे दूंगा, सॉल्यूशन भी बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन कर लेना ना तो कर ही सकते हो। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो जाए, नैनोग्राम 9.1, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहली चीज सर देखो, द्रव्यमान में वृद्धि कब होती है, ये जो कोई ऑब्जेक्ट है इसके द्रव्यमान में वृद्धि कब होती है, जब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हो, ग्रहण किए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आप बताओ आवेश की प्रकृति तो आपको पता चली जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये अपना द्रव्यमान भी लेके आ रहा है, तो मैं कह दूंगा कि मास में जो वृद्धि होगी डेल्टा एम को एन गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, कि द्रव्यमान में वृद्धि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वजह से हो रही है। यहाँ से एन आ जाएगा डेल्टा एम डिवाइड बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 9.1 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, एनओ की जगह 10⁻¹⁹ ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ और आ जाएगा एशियनो। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁹ होता है। आई होप सो
आपको पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻³¹। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, आवेश की प्रकृति पहले ही पता चल गई कि नेगेटिव है। अब आवेश का मान पता करना, तो q बराबर n e करके n का जो यहाँ से मान आएगा ये उठा के यहाँ रख देंगे, e की जगह यहाँ पर 1.6 × 10⁻¹⁹ रख देंगे, सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर काम में आ जाएगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपके सबके दिमाग में क्लियर है और ये एक तरह से एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बताओ, थम्स अप करो सारे के सारे, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट भी कर दो, है ना। चलिए, वेल डन, शाबाश। हाँ क्या बेटा, चलिए आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन और पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन। ये कह रहा निर्वात, निर्यात मत पढ़ना इसको, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल लग रहा है, 1 mm मोटाई तथा परिवर्तन का एक कांच की पट्टी का इन आवेशों के मध्य है, तो बल का मान कितना। बात करते हैं, इधर देखो एफ मीडियम क्या होता है सर, एफ नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, ये होता है ये फॉर्मूला बेटा। एफ मीडियम आपको पूछा है, एफ नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी बताओ, 18, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6। एफ मीडियम जो इसका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। इट क्लियर, बताओ भाई क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलिए भाई क्या आगे बढ़े, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये न्यूमेरिकल टाइप बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। एक ये कह रहा है कि 4 समान आवेश प्रत्येक क्यू मान ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों एक आवेश पर आवेशों का परिणामी बल ज्ञात। इधर देखना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है, और वर्ग के कोने पर यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, और यहाँ पर भी, और इनकी भुजा की ए ए ए लंबाई है भुजा की। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों का, तो मान लेता हूँ मैं इस आवेश पर इसके कारण और इसके कारण बल ज्ञात करना। देखना बेटा, आवेश के कारण बल किधर होगा, इधर होगा, इस आवेश के कारण बल किधर होगा, इधर होगा। F1 कह देता हूँ तो मैं F2 कह देता हूँ, और इस आवेश के कारण बल किधर होगा, इधर होगा, तो मैं F3 कह देता हूँ। इधर देखना बेटा, जो F1 है को क्या लिखूंगा, k स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कूलाम के नियम से। एफ टू भी क्या लिखूंगा, k टू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्या इन दोनों की जगह एफ और एफ लिख दू, क्या एफ और एफ लिख दू। अब ये क्या होगा सर, एफ थ्री वही k टू स्क्वायर डिवाइड बाई, भाई ये दूरी कितनी होती है, अंडर रूट टू गुणा ए होती है, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, क्या ये एक तरह से एफ बाई टू हो गया क्या। अब आप देखना, पहले मैं पर इन दोनों का परिणामी निकालूंगा, इन दोनों का परिणामी, जब दो समान बल 90 डिग्री पर लग रहे हो तो उनका परिणामी होता है एफ वन का स्क्वायर प्लस
एफ टू का स्क्वायर वो कोस 90 वाला फॉर्मूला बन गया, वो जीरो हो जाता है, आप समझ। एफ डैश यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा सर अंडर रूट टू एफ। तो ये अंडर रूट टू एफ तो इन दोनों का परिणाम ही आया, इस पर कुल बल क्या होगा, इसको जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो एफ नेट जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, एफ बाई टू में इसको जोड़ो सर, अंडर रूट टू एफ को जोड़ो। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्या, देखना अच्छे से यहाँ पर, इधर देखना, एफ नेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, वन प्लस टू अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू नाम है एफ। क्या मैं एफ की जगह वापस ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख दूं क्या, एफ नेट जो फोर्स आएगा यहाँ पर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, वन प्लस टू अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू और के स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, तो ऑफलाइन भी समझ अलग से भी समझा, ऐसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है बोर्ड एग्जाम में इस आने की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन नीट एग्जाम में ऐसा देखने को बार मिलता है। तो एक बार थम्स अप कर दो ताकि अपन आगे पढ़े। और क्या मुझे स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो इस तरीके से ही करने चाहिए, चाहे क्वेश्चन की संख्या कम हो, है ना, साढ़े नौ ही। तो इस तरीके से ही पढ़ते, अभी तो 20। एक बार आप बताओ स्पीड से चलने से ठीक रहेगा, है ना, चलो वरना तेज चलेंगे तो समझ में नहीं। और वैसे भी यूट्यूब पर जब क्लास जाएगी बच्चे इसको क्या देखेंगे, 2x स्पीड पे देख लेंगे, अनकंफर्टेबल लग रहा है या फिर लग रहा है कि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे लिए मैं वर्क छोड़ रहा हूँ, आप स्क्रीन ये वैसे ही करना है। एल भुजा का एक समबाहु क्या है, त्रिभुज, और उसके शीर्षों पर ये परिणामी बल क्या है, आवेश रखे और क्यू पर परिणामी विद्युत बल का परिमाण व्यंजक ज्ञात अपन को करना है, आप दिमाग लगाना नहीं तो मैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन लेके आया ना, एक बार जो बच्चे कमेंट पर उपस्थित है वो चैट बॉक्स में जल्दी से, है ना, ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए वेल डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसमें यहां पर देखना, ये जो डेटा है ना इसको 4×10⁻¹⁹ पढ़ना बेटा, है ना, सेंटीमीटर नहीं गुलाम गुणा मीटर है, और इसको 104 ना पढ़ कर क्या पढ़ोगे, 5×10⁴ न्यूटन पर गुलाम। थीटा 90 डिग्री दे रखा है, बलागुण का परिमाण ज्ञात करना है। सॉल्यूशन सिंपल सी बात, तो बराबर पी ई साइन थीटा, यही तो होता है। इधर देखो बेटा, तो अपन को ज्ञात करना है P की वैल्यू, ये इसने दे ही रखी है 4×10⁻¹⁹ इंटू E की वैल्यू दे रखी है 5×10⁴ और साइन मल्टीप्लाई साइन क्या हो जाएगा 30। अब इसको तो आप सोल्व कर लेंगे। इधर देखना, इसी क्वेश्चन से
अभी नीट 2000 की फॉर्मूले से, नीट 2023 मई में हुआ था पेपर, उसमें क्वेश्चन था, उसमें चार्ज पूछ लिया गया था, बाकी सारी वैल्यू गिवन है। फॉर्मूले को मैं टो इक्वल टू क्यू इंटू टू ए साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो इससे आई थिंक क्यू पूछा गया था और बाकी सारी वैल्यू गिवन। ऐसा प्यारा क्वेश्चन आपको जो है नीट में भी मिल सकता है ना, या थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन था ना? आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, याद हो तो एक बार कमेंट से वेरीफाई करो। ये क्वेश्चन जब मैंने का पेपर आपको सोल्व करवाया था तब भी बताया था। देखो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन वहाँ बच्चे को क्लिक नहीं करता है। किस किसने ये क्वेश्चन सोल्व किया था एक बार बताओ। देखा जब मैंने सोल्व करवाया था तब क्लास में थे आप? हाँ, सारे बच्चे। चलिए वेल डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 24, ये कह रहा कोई रैखिक आवेश से 2 सेंटीमीटर, तो इसको वापस से क्या पढ़ोगे? 10^4 पढ़ोगे टाइपिंग में। हाँ, ये कह रहा है रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, एक कोई अनंत रेखीय आवेश है, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्या सर ये 2K λ/r होता है? तो क्या मैं यहां से लेमडा इज इक्वल टू, क्योंकि इसने लेमडा ही तो पूछा है, रेखीय आवेश घनत्व तो पूछा है, क्या ई आर, आर मतलब दूरी, डिवाइड बाय 2K लिख दूं क्या? तो लिख दो सर, ई की जगह लिखूंगा 9 × 10^4, और आर की जगह देखो सेंटीमीटर में लिखा तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10^-2 डिवाइड बाई 2 × के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10^9, इसको सोल्व कर लेंगे कूलाम पर मीटर इसका मात्रक आ जाएगा, है कि नहीं? बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? अच्छा क्वेश्चन है ना? इतना सिंपल क्वेश्चन भी यदि हमसे नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? हम फॉर्मूला तो पता है लेकिन तो हम अप्लाई करना नहीं सीखे, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब देखो इसी फॉर्मूले से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ई इज इक्वल टू 2K λ/r में के तो कॉन्स्टेंट हमें पता होता है, लेमडा आर और ई तीन अननोन राशियां हैं, तो तीन तो सीधे के सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, कि कोई भी तीन वैल्यू में से दो को देके तीसरा पूछ लेगा, है कि नहीं? सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन, ये कह रहा है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता ज्ञात। सर देखो बेटा बात को समझना, ये कोई गोला है, अब ये क्या कह रहा है? गोले की त्रिज्या कितनी है? सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। सर गोले की त्रिज्या है 5 और गोले के केंद्र से 20 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना? 10 V/m, है ना? अब यहाँ पर एक बात समझना बेटा अच्छे से, भाई ई आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है K³/r² यानी क्या मैं E₁/E₂ कर दूं तो क्या वो R₂/R₁² के इक्वल हो जाएगा?
आप देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये इसको मैं आर वन के दूंगा और को ई वन, और जो 8 सेंटीमीटर है वो भी तो गोले के बाहर ही होगी, उसको मैं ई टू को कह दूंगा, सॉरी आर टू को कह दूंगा 8, और ई टू का कह दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई टू मुझे ज्ञात करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा सर, ई वन इंटू आर वन बटा आर टू का होल स्क्वायर हो गया क्या ई टू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी, 10 और गुणा में आर वन की वैल्यू कितनी थी 20, आर टू की वैल्यू कितनी दे रहा है 8 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे पहले तो 4 5 20 और 4 2 8 ई टू क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा सर 10 पर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, है कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होगा। अब इसको आप सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, यानी 250 डिवाइडेड बाई 4, 250 में 4 का भाग लगेगा, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा तो? भाई 6 चौक 24 और 4 2 8 और 4 5 वोल्ट प्रति, आपका आंसर। इस क्वेश्चन को बताना बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था, एक बार कमेंट सेक्शन में, क्या मैंने जब आपको ऐसे नोट्स लिखवाए थे ऑफलाइन पढ़ाते समय, जब ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस करना बताए थे ना, इस तरीके से इनको हैंडल करते, बहुत इजी, हर जगह करवा रखा मैंने आप, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब डायरेक्टली पूछा जाता है तो बच्चा नहीं, एक बार सारे के सारे वेरीफाई करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। वेल डन, शाबाश, अच्छे क्वेश्चन है ना, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम पढ़ना है इसको, और ये सदिश है या अदिश है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब खुद से दें, यूट्यूब पर देखने वाली जनता कमेंट से जवाब दें, बाकी जो अभी हुए हैं मेरे को तो अभी जवाब दें, है ना। चलो अभी एक्चुअल में टाइम तो 40 हो रहा है, लेकिन आप बता रहा होगा जो लैपटॉप है आधे घंटे, ठीक है, इसका जवाब दे दोगे आप, तो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, वेरी गुड, शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण समविभव पृष्ठ की चेतना विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो भाई बिंदु आवेश है, इसके कारण समविभव पृष्ठ क्या होता है बताओ, समविभव पृष्ठ होते हैं आपके कंसेंट्रिक स्फीयर, संकेंद्रीय गोले कभी मैंने बनाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एरोज होंगे कहाँ हो जाएंगे बताओ, माइनस क्यू है ना ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरोज कहाँ हो जाएंगे, अंदर की तरफ हो जाएंगे, बात समझ रहे हो क्या, ये बनाना था। आप सोच के देखो आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, इतना प्यारा और इतना अच्छा क्वेश्चन, कन्फ्यूज हो जाते हो यार समझ, ये बना के आना था, हिंदू आवेश के कारण
तो समविभव पृष्ठ होते हैं और सकेंद्रीय गोलाकार होते हैं, और एक क्या व्यास के कारण समाक्षीय बेलनाकार होते हैं, और एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर समतल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। ये सुनो, हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया, डन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेशित कण को गति करवाने में क्या क्या कार्य गमन पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि विद्युत बल ऐसा है, संरक्षी बल है। 11वीं क्लास में आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बारे में पढ़ा था, संरक्षी और असंरक्षी बलों के बारे में पढ़ा था कि नहीं? तो आप सीधा ये पथ पर निर्भर नहीं करता क्योंकि संरक्षी बल होता है विद्युत। चलो भाई बहुत अच्छा, क्या इस सवाल का जवाब आप दे पाते? मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे या तो 12वीं की बात याद नहीं रहती, 11वीं की कहाँ याद रहेगी, है कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ की, और ये तुम्हारे लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि किसी आवेशित चालक खोल के भीतर इसके समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, सिंपल सी बात, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज के 5 पॉइंट थे, उनमें से 1 पॉइंट से क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये कह रहा है कि किसी आवेश, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, कितने तरीके से इसने बनाया है ना, इधर देखो। ये कह रहा है किसी आवेश Q का द्विध्रुव आघूर्ण P द्विध्रुव के ऊपर स्थित किसी बिंदु A से द्विध्रुव के नीचे स्थित किसी बिंदु B पर विषुवतलीय में सतह तल में बिना किसी त्वरण के ले जाया जाता है, तो क्या कार्य? सिंपल सी बात है, निरक्षीय विभव P निरक्षीय कितना होता है, मैं बताया था जीरो, तो किया क्या कार्य क्या होगा, जीरो। अरे V P R कोमा थीटा में पता है क्या होता है, के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ तो थीटा क्या हो गया 90 ना, तो विभव ही क्या हो जाएगा जीरो, तो कार्य क्या करना पड़ेगा जीरो। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना मस्त क्वेश्चन है, बताओ। बच्चा यूं देख डायग्राम देख के कन्फ्यूज हो जाता है, जानबूझ के उसको कन्फ्यूज करवाया गया। मैं बताया गया था ना कि द्विध्रुव का जो निरक्ष होता है, विश्व तल जो होता है जिसे निरक्ष जो, वो एक समविभव पृष्ठ के समान कार्य करता है और उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव जीरो होता है। फिर किया गया कार्य क्या होता है, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, विभव भी जीरो तो विभव का अंतर भी क्या होगा जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना मस्त क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र का मूल उपयोग, आवेश संग्रहण करना, ये इसका मूल उपयोग। नेक्स्ट ये कह रहा है विद्युत बल रेखा, ये अच्छा क्वेश्चन है,
क्या अनुदिश विद्युत विभव बढ़ता है या घटता है? सिंपल सी बात है, घटता है। अरे E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बटा डी आर, माइनस चिन्ह विभव में कमी को बताता है। तो क्षेत्र दिशा में आगे बढ़ने पर, इधर से इधर जाने पर, मान लो यहाँ पर विभव V1 है और यहाँ पर विभव V2, 110% V1 का मान क्या होगा, V2 से ज़्यादा होगा। W के दो, V2 का मान V1 से कम होगा, यानी इधर से इधर जाने पर विभव के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर है क्या? हम सब करना एक बार सारे के सारे कमेंट से आगे बढ़ते, आगे बेटा 33 क्वेश्चंस तक आगे भी थोड़ा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। क्या रही है तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। सम विभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म भी है आपको पता होना चाहिए, कुछ धर्म भी है जो आपको पता होना चाहिए, वहां से भी सवाल बन जाता है। ये लो, क्या दो समीप पर एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि कटान बिंदु पर ओके दो मान के तो संभव नहीं। वैसे इसने जवाब तो हाँ या ना में ही पूछा है कि कर सकते या नहीं कर सकते। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर बहु ने ना हो? उदाहरण दीजिए, बताओ देगा। अच्छे से ऑब्जर्व करो, विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि बहु शून्य ना हो, तो किसी भी धातु होल जो आवेशित है के भीतर, आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इनसाइड जीरो बट V इनसाइड क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आया? देखो कैसा प्यारा क्वेश्चन बनाया, वहां से उठा के कहां से बनाया गया, वही तो आपके लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, ये कह रहा है जब कोई विद्युत ध्रुव किसी क्षेत्र के समांतर रखा है तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, क्यू क्या होता है, माइनस पीई कोस थीटा, समांतर रखा है इसका मतलब थीटा क्या है, जीरो डिग्री। यू क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कोस जीरो डिग्री, और कोस जीरो डिग्री की वैल्यू तो क्या होती है, वन। यू क्या हो जाएगा, माइनस पी, आंसर आपका क्या हो गया, माइनस। डन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निर्वात में उस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जब उस पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे, इधर देखो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इस मध्य बिंदु पर ध्यान देना बेटा, ई जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है बट वी इक्वल टू क्या होता है, जवाब देंगे यहाँ ऐसा संभव है, कहाँ है तो विद्युत के
केंद्र पर या विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र शून्य। बढ़िया क्वेश्चन था ना, सब करो एक बार जल्दी से। हाँ चलिए भाई, कमेंट सेक्शन में करो ताकि मुझे पता चले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है तंबी वो प्रश्न विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं, क्यों क्यों होते हैं बताओ। के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होने के पीछे का रीजन है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को घुमाते तो किया गया कार्य क्या होता है, या फिर एक कारण और है, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है, शून्य। विभवांतर शून्य है तो कार्य क्या होगा, शून्य। कार्य जब शून्य होगा इसका मतलब क्या है, बल और विस्थापन क्या है, लंबवत। बात समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता का मान किस किस पर निर्भर करता है। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो डिवाइड बाई, ये तो आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। आप जवाब क्या दे सकते हो, आकार, आकृति, माध्यम, अन्य चालक की उपस्थिति। नोट्स में लिखवाया गया था ना तुम्हें अच्छे से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। अरे यार ये लो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, जाएगा सर निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात, या फिर ये एक और होता है निर्वात में धारिता और माध्यम में धारिता का, सॉरी माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता होगा, आर गुणा पड़ जाता। चलो ये वाला ही ठीक है, ये वाला ही ठीक है, धारिता के पदों में देना चाहे एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, सी मीडियम डिवाइड बाय सी माध्यम में धारिता और निर्वात, या फिर ये लिखो तो डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सिंपल जी बात है, एक क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी, क्यू प्रोपोर्शनल क्या होता है वी, ग्राफ खींचो ना क्यू और वी के बीच में, ले लो इधर वी ले लो, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, रेखा आएगा कि नहीं। आठ क्वेश्चन बचे आए रखो, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन का टारगेट लिया। हाँ समविभव पृष्ठों के दो महत्वपूर्ण लक्षण लिखो, कोई भी दिख देगा यार, क्या बताने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है 10^-9, इसको 10^-9 मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ना 10^-9, गुलाम बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव करना कीजिए। V बराबर क्या होता है के क्यू डिवाइड बाई आर, V क्या हो जाएगा बताओ, K की वैल्यू 9×10^9, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10^-9 और दूरी की 1 मीटर, ये तो चला गया, तो आंसर क्या आएगा 9 वोल्ट। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, देखना यहाँ लिए गए मोस्टली न्यूमेरिकल, यहाँ लिए गए 90-99% न्यूमेरिकल, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को आप में से कितने बच्चे कर सकते थे बताना देगा एक बार, कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकते थे बताओ, ताकि मुझे ओके।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है धारावाही चालक में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? अरे J इज इक्वल टू पॉइंट टू। ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का अनुपात यानी E बटा ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखूँ मैं, यहाँ से एक बटा रो इक्वल टू ई बटा ये बनेगा, वन बटा रो क्या होता है प्रतिरोधकता। तो कितना अच्छा क्वेश्चन प्रतिरोधकता है कि नहीं, प्यारा क्वेश्चन। ये इक्वल टू सिग्मा ई से बना हुआ ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, सिग्मा होती है चालकता और चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है प्रतिरोधकता। चलिए वेल डन शाबाश, आगे बढ़े। चलिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी बाह्य प्रतिरोध आसंयोजित आंतरिक प्रतिरोध का कोई सेल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर लिखना, अधिकतम धारा की आपूर्ति कब कर सकता है जब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो सुनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर, तो Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पढ़ा आपने, सिंपल सी बात है, ये ग्राफ पूछ रहा है। प्रतिरोध के फलन के रूप में आर लिख देते, आर और इधर आपका ये ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, ध्यान रखना, यहाँ ये वी बराबर पॉइंट पर ये ग्राफ है, आप ये ग्राफ बना लेना भाई, बना लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि किसी दिए गए चालक के सिरों पर अनुप्रयुक्त विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिशीलता क्यों विभवांतर, देखना वी डी बटा ई होता है बेटा, विभवांतर दो गुना कर रहे हैं ना तो ई भी अपने आप दो गुना हो जाएगा, गतिशीलता पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं। बच्चे देख लेते सर यहाँ से दो दिख रहा ना समानुपाती है, अरे बेटा ई डी समानुपाती ई होता है और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो गतिशीलता आता है, और मैंने बताया था समानुपाती के चिन्ह हटाने पर जो भी कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट कभी भी उन राशियों पर डिपेंड ही नहीं करता है जिनमें वहाँ पर ऐसे। इधर देखो वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाते हैं तो वी इक्वल टू क्या होता है आर आई, ये चालक का प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध वी और आई दोनों पर डिपेंड ही नहीं करता। क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है सर सी वी है ना, क्योंकि क्यू समानुपाती क्या होता है क्यों होता है, तो ये जो सी है ये क्यू और वी पर डिपेंड ही नहीं करता। आना अच्छा क्वेश्चन बताओ, कितने शानदार क्वेश्चन था यार, अभी तो ना कर देते। हेलो
चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अति चालकता को परिभाषित कीजिए, कल ही बताया था। शून्य ताप पर चालकता का अनंत हो जाना क्या कहलाता है? अति चालकता। और चालकता अनंत हो जाएगी, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? शून्य। तो चाहे आप ये लिखो कि चालकता का अनंत हो जाना अति चालकता कहलाता है, या फिर प्रतिरोधकता का शून्य हो जाना अति चालकता कहलाता है, बात एक ही। फर्स्ट क्वेश्चन था ना, अरे लास्ट क्वेश्चन था यार, एक बार सारे के सारे बताओ जल्दी कम, 1 घंटा और 11 मिनट हो गए लगातार पढ़ते। और आपने देखा होगा कि 1 घंटे 11 मिनट हो लगातार, वैसे जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो है ना आज के कुछ मजा आया, तो ये यूट्यूब वाली जनता अपलोड करूंगा है ना। और ऐसे 50 50 क्वेश्चन के आपको और भी बचे हुए चैप्टर्स के 300 400 और आएंगे, होता है कि 5 वीडियो आ जाए, 5 वीडियो आपके 14 चैप्टर है सारे क्वेश्चन बाद में है ना। लास्ट क्वेश्चन कर ले, चलिए। अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सब प्यारा क्वेश्चन, बाह्य विद्युत अपवाह में इलेक्ट्रॉन बना या चालक के मुख द्वारा ग्रहण की गई, क्या भाई? औसत चाल को क्या कहते हैं? अपवाह चाल या अपव्यय चाल कहते हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एक बार जो जनता है भी मैं जानना चाहूंगा कि भाई कैसे कैसे कहा फीड है। एक बार जनता है वो जो क्या थे ना, हो क्या तुम आना चाहोगे क्या? एक बार मुझे जवाब दो, चल रहा है कि नहीं बंद? क्या तुम आना चाहते फीडबैक? तो भाई जवाब दो एक। कौन कौन बच्चे एक बार अपनी वीडियो अपना वीडियो ना भाई जो करना देखा है। आवाज तो आ रही ना मेरी? अरे वाह, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? सर अच्छा, वेरी गुड। साक्षी को लाइन पे लेते, ये तो हटा देता हूँ। साक्षी जी बहुत अच्छी बढ़िया थी क्लास सर।
दो तीन ऐसे क्वेश्चन थे जो नहीं आ रहे थे न्यू मेडिकल बेइज्जती कर दी मेरी तो से लास्ट में अच्छा था फीडबैक दे। जय हिंद।